हेलो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आ गए हम हिंदी का पेपर जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए है और ये हिंदी का पेपर आपका पूरा का पूरा 100 नंबर का है 100 में 100 नंबर का जी हां और फुल पेपर सोल्यूशन है ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन इसमें छूटा हुआ है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यार और ये एकदम आने वाला पेपर है और इस पेपर को आप जरूर तैयार करके जाइएगा सबसे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चैनल को सब सब्सक्राइब कर लीजिए क्या कर लीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या कर देंगे सर शेयर जरूर से जरूर कर देंगे है कि नहीं सर ये आपका हिंदी का पेपर है अगर हम हिंदी की बात करें तो यह सौ नंबर का होता है जिसमें से तैतीस नंबर का रिजवा पास होने के लिए नंबर चाहिए कितना चाहिए तैतीस नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए उससे ज्यादा आपको नंबर चाहिए ही नहीं और ये आपका पेपर कोड होता है ये ये आपका क्या सर ये आपका पेपर कोड है इसको सर पेपर कोड बोला जाता है ये आपका तीन जो जेडीएल है सर ये पेपर कोड है और जो आपको टाइम दिया जाएगा तीन घंटे पंद्रह मिनट का सर आपको टाइम दिया जाएगा ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए बिल्कुल सर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दीजिएगा तो चलिए सर हम लोग क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं ठीक है ना चलिए अच्छा कुछ निर्देश भी दिए गए जैसे इन्होंने बोला है कि हम तीन घंटे पंद्रह मिनट का टाइम तो देंगे देंगे लेकिन जो पंद्रह मिनट का टाइम होगा ये प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए क्या है निर्धारित है वैसे भी ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए नहीं आप क्वेश्चन पे करने पर फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा है, कि नहीं सर उसके बाद इस प्रश्न पत्र में दो खंड है कौन कौन सा खंड रहेगा खंड क रहेगा और खंड ख और दोनों दोनों पचास पचास नंबर के रहने वाले हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा अनिवार्य रहेगा सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका खंड क रहेगा कौन सा रहेगा खंड क रहेगा अब खंड जो क रहेगा ये सर पचास नंबर का रहेगा अब सर ये पचास नंबर में जो सर पहला प्रश्न आएगा वो तो आपका बहुविकल्पी रहेगा पहला और दूसरा क्या रहेंगे बहुविकल्पी पहले में पांच क्वेश्चन और दूसरे में भी पांच क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे है क्या प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है यानी जो प्रताप नारायण मिश्र थे इनके द्वारा संपादित पत्र का क्या नाम था तो इनके द्वारा जो संपादित पत्र का नाम था वो था सर ब्राह्मण ब्राह्मण सर पत्र किसका है यह प्रताप नारायण मिश्र का है ब्राह्मण सर पत्र किसका है यह प्रताप नारायण मिश्र जी का है याद कर लीजिए इम्पोर्टेंट सर एकदम पेपर में छपने वाला सर क्या है क्वेश्चन उसके बाद यहाँ पे है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है जो सर बाण भट्ट की आत्मकथा है इसके जो लेखक है सर वो कौन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है सर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है सर ये बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है अच्छा सर एक बात ध्यान दीजिएगा प्रोफेसर तो जी सुंदर रेड्डी सर किसके लेखक है तो भाषा और आधुनिकता नोट कर लीजिए भाषा और आधुनिकता की भाषा और आधुनिकता के लेखक सर कौन है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है उसके बाद क्या वाला है अशोक के फूल किस विधा की रचना है तो जो अशोक के फूल है वह निबंध है सर लेकिन किसका है अशोक के फूल सर किसका है यानी कि सर लेखक कौन है लेखक कौन है तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी हैं कौन है डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी हैं ठीक है अगला चलिए अगला है यहाँ पे अगला है क्वेश्चन ये आपको कमेंट करना है भारत की दुर्दशा ना, दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है इसको कमेंट में आप मेंशन करिए भारत हरिश्चंद्र बालकृष्ण भट्ट श्याम सुंदर दास या प्रताप नारायण ओके चलिए अगला सर यहाँ पे प्रश्न है अगला यहाँ पे प्रश्न है इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है यानी कि इसमें इस से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का क्या है पे काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है तो देखिएगा स्थानीय में भी है नाटक में भी है और उपन्यास में भी है लेकिन आत्मकथा पे काल्पनिक प्रसंगों का स्थान बिल्कुल भी नहीं अगला यहाँ पे दूसरे का क आ जाएगा दूसरे में पांच बहुविकल्पी है क ख अंगा तक ठीक है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना किसने की है तो हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल के की रचना है वो है कौन है चांद का मुंह टेढ़ा चांद का मुंह टेढ़ा यह हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की क्या सर रचना है अगला है यहाँ पे सर हरिद्ध का पूरा नाम है सर हरियोध का पूरा नाम उपाध्याय हरिओद आंसर ये सिंपल ही है इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है उसके बाद अगला यहाँ पे छायावाद की क्या यहाँ पे छायावाद की मुख्य विशेषता है तो जो छायावाद की मुख्य विशेषता है यो वो क्या है प्रकृति चित्रण है छायावाद की मुख्य विशेषता क्या थी प्रकृति चित्रण थी ये कौन सी है छायावाद की मुख्य विशेषता थी अगला है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है जो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है वो कहा गया है सुमित्रंदन सुमित्रानंदन पंत को क्या बोला गया है प्रकृति का सुकुमार कवि बोला गया है उसके बाद अंगा वाला देखिए प्रश्न क्या है आप सर बोल बोल रहा है तार सप्तक के सब पादक है जो तार सप्तक के सब संपादक है वो अज्ञा जी है कौन है अज्ञा जी तार सप्तक के संपादक है अगला देखिएगा यहाँ पे अगला क्या है सर अगला यहाँ पे है आपका दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए दस नंबर का यानी कि आपके दस नंबर का है सर और ये जो पद्यांश है इसमें आपके पांच प्रश्न होंगे और पांचों प्रश्नों का क्या देना रहेगा उत्तर देना रहेगा आराम से सर मिलेगा आपको कितना सर यहाँ पे दस नंबर मिलने वाले हैं सबसे पहले अगर ये सब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप पढ़ लीजिए पढ़ें कैसे देखिए आपके यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होंगी भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे और कहीं पे भी उनका प्रयोग ना किया जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर कुछ कुठारा घात होगा अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप एक कामन मिल रहा है शब्द क्या मिल रहा है भाषा यहाँ पर भी भाषा आया है और और कहाँ पे आया है और कहाँ पे, और यहां पे आया भाषा और यहाँ पे शब्द आया और यहाँ पे भाषा आया है जब भाषा और शब्द ऐसे या नवीनीकरणी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए किसी भी गद्यांश में तो भाषा और आधुनिकता से लिया गया है और भाषा और आधुनिकता के लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ये सब याद करने का तरीका है कहीं पे भाषा दिखे नमीनीकरण दिखे तो ये सब आपको वर्ड्स दिखाई दे शब्द दिखाई दे तो समझ लीजिए वो भाषा और आधुनिकता से लिया गया उसके लेखक कौन है कौन है, है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है सर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है तो यहाँ क्या हो जाएगा उपयुक्त तो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम क्या हो जाएगा सीधा लिखेंगे लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी है तथा इस गद्यांश के पाठ का जो नाम है भाषा और आधुनिकता है बस that's dancer, और कुछ भी नहीं करना है उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए अच्छा तब ये सब प्रश्न आपको दिखाई दे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए तो रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब होता है जो यहाँ पे आपको ये दिया गया है ये दिया गया है इसके नीचे लाइन खींचा हुआ है ना आप इसी को सेम टू सेम सेम टू सेम ले जाकर उतार दीजिए इसमें पेपर में बोर्ड की कॉपी में या फिर आप इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए अगर आप इसी को सेम टू सेम जाकर उतार दे रहे हैं तब आपको मिलेंगे कितने दो में से एक नंबर और इसी में अपना वैल्यू ऐड करके मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं तो आपको दो में दो नंबर मिलेंगे क्योंकि हर एक प्रश्न यहाँ पे दो नंबर का रहेगा तो आप क्या लिखेंगे इसमें अपने से बना के लिखे यार ज्यादा बेहतर रहेगा लेखक का कहना है कि भाषा का सीधा प्रयोग जनता से व जनता द्वारा किए गए किए जाने वाले प्रयोग से है जो भाषा जितनी अधिक जनता द्वारा स्वीकृत एवं परिवर्तित की जाती है वह उतनी ही अधिक जीवंत एवं चीर गतिशील होती है वह अभिव्यक्त का एक माध्यम है जिससे लोगों के बीच संवाद क्या होता है अस्थापित होता है अगला यहाँ पे है कुठारा घात का आशय क्या है यानी कुठारा घात का मतलब क्या है तो वो कुठारा घात का आशय होता है जो हानि पहुंचाने वाला तो कार्य करने वाला हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कुठारा घात कहते हैं अगला यहाँ पे है प्रश्न क्या है भाषा का सीधा संबंध किससे है भाषा का सीधा संबंध किससे है तो इसका आंसर में ढूंढेंगे भाषा का सीधा संबंध किससे है भाषा का सीधा संबंध सर प्रयोग से है और जनता से है किससे है प्रयोग से है और जनता से है बस यही इसका आंसर लाके यहाँ पे सर छाप देंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे सर यहाँ पे लिखेंगे भाषा का सीधा संबंध जनता से व जनता द्वारा किए गए किए जाने वाले प्रयोग से क्योंकि जो भाषा जितनी अधिक जनता द्वारा स्वीकृति एवं परिवर्तित की जाती है वह उतना ही अधिक जीवंत एवं चीर अस्थाई होती है चीर अस्थाई होती है अगला यहाँ पे प्रश्न है क्या प्रश्न देखेगा लेखक के अनुसार नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने इसके क्या परिणाम होंगे अगर हम लोग लेखक के अनुसार कोई भी नया शब्द प्रयोग नहीं करेंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है और कहीं भी उनका प्रयोग न किया जाए किनका प्रयोग नए शब्दों का नए शब्दों का नए शब्दों का अगर हम लोग प्रयोग न करें तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही क्या होगा कुठारा घात होगा कुठारा घात होगा तो यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं कि नए शब्द प्रयोग न करने के पीछे उनके उद्देश्य पर ही क्या होगा कुटारा घात होगा तो यही कह रहे हैं कि आपको ढूंढने के टेक्निक आना चाहिए बाकी आप सवालों को कर लेंगे एक ये हो जाएगा उसके बाद पेपर में अथवा में दिया रहेगा मान लीजिए अगर वो नहीं आ रहा है तो अथवा में इसको सॉल्व कर सकते हो अब जैसे पहला मैंने बोला सॉल्व करने के लिए सेकंड वाला सेम टू सेम आपका सॉल्व होगा देखिएगा ये क्या है यहाँ पे यहाँ पे क्या पहले मैं आपको समझा दू मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है पृथ्वी हो और मनुष्य न हो राष्ट्र का कल्पना असंभव है पृथ्वी और जन जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का क्या है सर पुत्र है अब यहाँ पे थोड़ा आप दिमाग लगाए ज्यादा थोड़ा मातृभूमि शब्द आपको दिखाई दे रहा है राष्ट्र शब्द आपको दिखाई दे रहा है जन शब्द आपको दिखाई दे रहा है सभी शब्द आपको दिखाई दे रही है मातृभूमि दिखाई दे रहा है जन दिखाई दे रहा है राष्ट्र दिखाई दे रहा है जब ये सब आपको बार बार शब्द दिखाई दे तो ये लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से कहां से लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है और इसके लेखक कौन है वासुदेव सर अग्रवाल है करेजा कौन है वासुदेव सर अग्रवाल है यानी पहला प्रश्न है आंसर मिलेगा पहले का उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए तो डायरेक्ट सर आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक और इसके लेखक कौन है सर वासुदेव सरग्रवाले सर कौन है वासुदेव अग्रवाल इसलिए कहते हैं सर बहुत सिंपल तरीके से आंसर आप चिंता मत करिएगा सर बिल्कुल चिंता मत करिएगा उसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या की जैसा कि मैंने ऊपर बताया था जो लाइन खींचा गया है आप इसी को सेम टू सेम अगर उतार देंगे तो क्या हो जाएगा एक नंबर मिलेगा थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे दो नंबर मिलेगा तो अब आप इसको कर लेंगे बिल्कुल कर लेंगे इसका पेपर सर हम टेलीग्राम पे भेज देंगे टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा उसके बाद अगला है प्रश्न है लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है पड़ोसी से गुरु जी नहीं पूछना इसका आंसर इसी मिल जाएगा राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है तो जब पृथ्वी हो क्या है पृथ्वी है और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है सर असंभव है यानी पृथ्वी तो है लेकिन सर मनुष्य नहीं है तो राष्ट्र की कल्पना क्या है सर असंभव है तो लिखेंगे क्या यदि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना सर क्या असंभव है अगला है, है पृथ्वी और जन मिलकर किसकी रचना करते हैं पृथ्वी और जन मिलकर किसकी रचना करते हैं तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर सर किसकी रचना करते हैं तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर दोनों मिलकर यानी सम्मिलन से सम्मिलन मतलब मिलकर राष्ट्र का स्वरूप राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है यानी कि क्या बनाते हैं या राष्ट्र के स्वरूप को क्या करते हैं निर्माण करते हैं यानी कि पे लिख सकते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं सर पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप का क्या करते राष्ट्र के स्वरूप को क्या करते हैं संपादित करते हैं क्लियर है उसके बाद अगला है यहाँ पे पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती देखने पे है कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती किसके कारण जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है तो यहाँ पे आप लिख देंगे पृथ्वी मातृभूमि पृथ्वी मातृभूमि संज्ञा जन के कारण ही प्राप्त करती है दैट्स द आंसर बाकी कुछ नहीं है आपको अगला यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा आपको स दिखाइएगा क्या दिखाई देगा पद्यास बहुत सिंपल है यार टेंशन मत लेना दस नंबर का है देखिए पे क्या है लज्जाशील महिला जो कहे दृष्टि आवे यानी कि हे पवन दूत क्या आपको रास्ते पे कहीं पर लजवंती अगर स्त्री दिखाई देती है तो कोने देना विक वा न तो सुंदरी को यानी कि उसके वस्त्रों को उड़ाना मत जो थोड़ी सी श्रमित श्रमित वह हो गोद ले श्रांति को अगर वो थोड़ी सी थकी हुई दिखाई दे तो उसको गोद में लेकर उसको उसकी थकावट को दूर कर देना होठों की और कमल मुक्की में यानी जो होठों की हो मतलब कि अगर बहुत ज्यादा थकी हुई है तो उसको क्या करना अपने पवन से अपने पवन से उसकी थकावट को मिटा देना और जो उसकी मलिनताओं को क्या करना हर हर देना उसके बाद कोई क्लांता कृषक लड़ना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परत उसकी क्लांतियों को मिटाना यदि खेत में कोई काम करने वाली लजवंती स्त्री दिखाई दे तो उसकी थकावट को क्या कर देना दूर कर देना जाता कोई चलद यदि हो व्यम में तो उसे ला छाया द्वारा सुबित करना तत्व को यदि कोई रास्ते में धूप में कोई लजवंती स्त्री जाती हुई दिखाई दे तो उसको अपनी छाम से उसको शीतलता प्रदान करना बस यही और कुछ भी नहीं है ठीक है सबसे पहला इन्होंने प्रश्न पूछा है सबसे पहला प्रश्न पूछा है उपयुक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखे तो सीधा बता देना है प्रस्तुत पद्यांश की कवि का नाम क्या है अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिद्ध अभी यही आता हरियोध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय और शीर्षक क्या है तो पवन दूत का है रेखांकित अंश की व्याख्या की जो मैंने आपको बताया था जो ये रेखांकित अंश है इसको थोड़ा बढ़ात आगे लिख देंगे हो गया यानी कि कोई क्लांता कृषक लड़ना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना यानी कि हे पवन हे पवन हे पवन यदि मार्ग में कोई लजवंती महिला दिखाई पड़ी तो उस तो इतने वेग से न बहना कि उसके उड़कर अस्त हो जाएं और उसका शरीर उधर जाए यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसके चारों ओर से घेर कर उसकी थकावन थकान या थकावट को मिटा देना जिससे कि उसके होठो और मुरझाए हुए कमल सदर मुख्य हो उठी उसके बाद उपयुक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है तो जो उपयुक्त पद्यांश है यह खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास का अंश है कृषक लड़ना और भूतांगना शब्दों का अर्थ क्या होता है तो कृषक लड़ना का अर्थ होता है सप्त किसान की पुत्ती और भूतांगना का अर्थ क्या होता है गर्मी उसके बाद यहाँ पे अगला है आपका नायक नायिका पवन से लज, लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने को कहती है तो जो राधा है राधा पौन दूचिका से कह रही है यदि मारे में कोई लजवंती स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र को उड़ाना मत और थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट को क्या कर देना सर दूर कर दूंगा अथवा में करके दिया मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृति का यह हलवार आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में वितक विकार बनो संस्कृति में मूल रहस्य तुम्ही से, से फैलेगी यह बेल विश्व भर सौरभ में भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल अब ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना ठीक है ना ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना अब एक तो आप खुद से करेंगे सर अगला यहाँ पे पांचवा जो नंबर आएगा वो आएगा किसी निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए आपको यहाँ पे पांच नंबर सर मिलेंगे कौन कौन है सर हजारी प्रसाद द्विवेदी वासुदेव अग्रवाल और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है तो यहाँ पे मैंने जिसको लिया है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय इनकी प्रमुख रचनाओं को मैंने लिया है चलिए सर लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के निबंधकार आलोचक और उपन्यासकार थे इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था इनके पिता का नाम श्री अनुमोल द्विवेदी और माता का नाम क्या था सर श्रीमती ज्योतिषमती था इनके पिता उच्च कोट के ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बसरिया के मिडिल स्कूल से मिडिल पास किया वर्ष 1930 सौ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार की क्या प्राप्त किया इन्होंने पाद भी प्राप्त किया इसके बाद 1940 से 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में भी कार्य किया फिर 1950 में तब सर 1950 में 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के ये क्या बने सर अध्यक्ष बने और सन उन्नीस में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया गया और 19 मई सन उन्नीस को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या हो गए परलोकवासी हो गए यानी कि इनकी सर क्या हो गई मृत्यु हो गई क्लियर है सर अब इनकी सर प्रमुख रचनाएं क्या क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है ध्यान देना इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे निबंध संग्रह में अशोक के फूल कल्पलता विचार और वितरक विचार प्रवाह और कुटच है उपन्यास कौन कौन सी है बाढ़ भट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र चारुचंद्रेख दास का पोथा है उसके बाद अन्य रचनाएं जैसे इनकी संक्षिप्त पृथ्वीराज रासू है संदेश रासक है साहित्य है और हिंदी साहित्य की भूमिका है कबीर है नाच संप्रदाय है मेघदूत एक पुरानी कहानी है साहित्य सहचर सहज साधना इत्यादि इनकी क्या है सर रचनाएं भी हैं इनका साहित्यिक सर परिचय देखें तो क्या लिखेंगे साहित्यिक परिचय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी और संस्कृति में हिंदी और संस्कृत में आधुनिक युग के श्रेष्ठ समीक्षक और महान निबंधकार थे हिंदी और संस्कृति साहित्य का आचार्य हजार द्विवेदी ने गंभीर अध्ययन किया कबीर सूर तथा तुलसी आदि भक्त कवियों पर गंभीर की और अनेक उनके धर्मो तथा मत मतांतरों के साहित्य का आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने गंभीर मनन और क्या किया था इन्होंने चिंतन भी किया था उसके बाद यहाँ पे खवाला निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए

सर 1908 ईस्वी में हुआ था इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे इन्होंने उन्नीस से उन्नीस तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे और ज्ञान पीठ पुरस्कार पद्म भूषण से अलंकृत श्री दिनकर जी को राष्ट्र कवि होने का गौरव भी प्राप्त हुआ और रामधारी सिंह दिनकर जी की दिनकर जी की मृत्यु चौबीस अप्रैल 1974 सौ ईस्वी को हो गई थी अब इनका साहित्यिक परिचय हम क्या लिखेंगे हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर छायावाद उत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे उन्हें प्रगतिवादी कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है इनकी प्रथम तीन काव्य संग्रह प्रमुख जैसे रेणुका हुंकार, रसवंती और उनके आरंभिक आत्मंथन आद, की युग की रचनाएं और उन्होंने सौंदर्य प्रेम राष्ट्र प्रेम लोक कल्याण आदि अनेक विषयों पर इन्होंने क्या किया है काव्य रचना भी राम्धाय, राम्धाय की है रामधाई रामधाई सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं याद कर लीजिए रेणुका हुंकार रूप छाव बापू के इतिहास के आंसू रश्मि रथी नीम के पत्ते, मगध महिमा वातायन इतिहास के आंसू देव विग्रह नील कुशुम चक्रवाल नए सुभाषित परशुराम की प्रतीक्षा कोयला कवि वृत्ति तिलक आत्मा की आंखें हारे को हरिनाम दिल्ली विजय सीपी और संग धूप और छाव शामी के फूल विद्रोह शिक्षा रसवंती गीत कलिंग विजय कुरुक्षेत्र इत्यादि इनकी काव्य क्या है सर रचनाएं भी है अब अगला प्रश्न आएगा आपका जो छठा नंबर रहेगा तो आपको अस्सी शब्दों में आंसर देना रहेगा सर पांच नंबर का रहेगा तीन नंबर का पांच नंबर का ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए तो यहाँ पे मैंने लिया है बहादुर कहानी का उद्देश्य बहादुर कहानी का उद्देश्य मतलब बहादुर की कहानी से हम लोग क्या समझ सकते हैं उसका उद्देश्य मेन पर्पस क्या था तो क्या लिखेंगे अमरकांत द्वारा कृत कहानी बहादुर का उद्देश्य समाज की विद्रुपता वी, और उसके चेहरे चरित्र की सक, सटीकता के साथ उजागर करना है इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष के अमानवीय रूप से दर्शन करना तथा उसे सहानुभूत से विजित करना है शोषितों के प्रति होता है एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेदभाव के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है लेखक का मध्यम वर्गीय परिवार से भाग आए लड़के बहादुर का जमकर शोषण करता है और झूठे दिखावे वसान शौकत के लिए बहादुर को नौकर रखता है निर्मला का लड़का की उस पर क्या जमाता है सर रौब जमाता है और बात बात पर मारता पीटता है और ये लिया करा मध्यम वर्गीय परिवार की मध्यम वर्गीय परिवार की शोषक मानसिकता को अव्यक्त करते हैं तथा तो बहादुर की टूटती हुई मनोस्थिति को मानवीय तरीकों से महसूस कराते हैं और वर्ग वर्ग संघर्ष की परिपाटी किस प्रकार से एक छोटे बच्चे को मनोविज्ञान को प्रभावित करती है और मध्यम वर्गीय परिवार सत्कर्मों के आवरण के पीछे दुष्कर्मों और शोषण के निक्कृष्ट श्रृंखला को छिपाए रखते हैं यही प्रकट करना इस कथा का क्या उद्देश्य है उसके बाद आपके पेपर में आएगा सर ठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का उत्तर देना है एक खंड काव्य का उत्तर देना है यह आपके जिले के अनुसार रहेगा जैसे रश्मि रथी है आलोक वृत्त है मुक्ति यज्ञ है सत्य की जीत है तो यह आप अपने जिले के अनुसार पढ़ेंगे ठीक है ना त्यागपति आलोक वृत्त श्रवण कुमार ये सब आप अपने जिले के अनुसार पढ़ेंगे तो इसको आप स्किप कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद डायरेक्ट आपका क्या आता है सर खंड खंड खा जाता है खंड ख में क्या है पे गद्यांश और पद्यांश तो आई रिक्वेस्ट यू आई हम रिक्वेस्ट यू इसको आप खुद से रटिएगा ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि अभी हम कुछ भी संस्कृत में पढ़ देंगे तो आप फिर कमेंट में गाली देना शुरू कर देंगे गुरु जी को संस्कृत आती नहीं चल दिए पढ़ाने के लिए नहीं है नहीं सर चल दिए हैं पढ़ाने के लिए अस्य निर्माण आय अयम जनान धनम अयाजात जनास जनास्य हमीन ज्ञान गये प्रभुतम धर्मस्य लेकर कहां तक है मनी शीत मूर्धन्य मानवीय तक है अब सबसे पहले इसका क्या आपको लिखना रहेगा संदर्भ फिर इसका क्या करना रहेगा अनुवाद तो ये आप गद्यांश पद्यांश भैया रट डालना बहुत ऐसा पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे देख लेना किसी को भी ठीक है चलिए ये तो आप खुद से ही कर लेंगे उसके बाद ये पद्यांश स्क्रीन शॉट कर लीजिए इसको आपको खुद से कर लेना है अब यहाँ पे आएगा सर लोकोक्तिया और मुहावरे इसको हम लोग दिखाते हैं देखिए यहाँ पे क्या है निम्निक मु, मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर बाघ प्रयोग कीजिए भीगी बिल्ली बनना हाथ पीले करना दूध का दूध और पानी का पानी होना आग का अंधा सुख नयन सुख तो इसका आपको आंसर करना है तो सबसे पहले भीगी बिल्ली बनना भीगी बिल्ली बनना अर्थात क्या हो जाएगा सर क्या हो जाएगा सर डर के मारे चुप रहना वाक प्रयोग रमेश ने पुलिस को देखा तो वह भीगी बिल्ली बन गया अगला यहां पे क्या है हाथ पीले करना अर्थात विवाह करना क्या करना है सर विवाह करना वाक प्रयोग आपने तुरानी के हाथ पीले कर दिए और हमें कहा भी नहीं मतलब दावत भी नहीं दिया दूध का दूध पानी का पानी होना यानी कि उचित निर्णय करना वाक प्रयोग रमेश मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं सच बताओ नहीं तो मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा अंधा का आ कांधा नाम नयन सुख यानी गुड़ के विपरीत नाम होना वाक् प्रयोग इसका नाम सुनली है आवाज कितनी भद्दी है इसे कहते हैं आ कांधा नयन सुख उसके बाद पेपर में अपटित ध्यान से इसको हम नेक्स्ट वीडियो बना बता देंगे इसकी आप चिंता मत करना उसके बाद यहाँ पे आपको सब जैसे द्रव और द्रव्य तो द्रव का मतलब होता है सर द्रव का मतलब होता है पानी क्या है सर वाटर और पानी क्या है तरल पदार्थ है अब द्रव्य मतलब क्या होता है सर पदार्थ होता है पदार्थ में जैसे आपका पैसा आता है धन आता है तो ये सब है चाहे योग्य पदार्थ में आएगा नहीं धन भी नहीं आएगा दया भी नहीं आएगा लेकिन जो धन मतलब क्या होता है कि सर पैसा या फिर सोना जो भी होता है सर यह पदार्थ में आता है तो यह क्या हो जाएगा तरल पदार्थ और धन हो जाएगा हरी और हर तो हरी मतलब क्या होता है विष्णु होता है और हरा मतलब क्या होता है शंकर होती है उसके बाद है इनके शब्दों में से किसी एक शब्द के दो कुल तो तात मतलब होता है पूज्य व्यक्ति पूज्य व्यक्ति या बड़ा भाई बड़ा भाई और क्या होता है पिता होता है कुल मतलब परिवार और क्या होता है समूह होता है तीर मतलब क्या होता है बाण और किनारा होता है वाक्यांशु के लिए एक शब्द सर मतलब एक सही शब्द का प्रयोग करना है जिसके भीतर हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं समतापी बोलते हैं पीने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं पीपासू बोलते हैं क्या बोलते है, सर? बोलते है। पी बोलते हैं 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 सर पीने इच्छा रखना पिपासु उसके बाद दो वाक्य शुद्ध करके लिखना है जैसे आपकी पुत्री पदमा बहुत बुद्धिमान है कृपया करके मेरे घर पधारिये तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए कानपुर के एक कानपुर एक औद्योगिक नगर है चलिए सर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपकी पुत्री पदमा बहुत बुद्धिमती है कृपया मेरे घर पधारिये तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और कानपुर एक औद्योगिक क्या सर नगर है उसके बाद बारह है आप श्रृंगार रस अथवा करुण रस का अस्थायी भाव बताते हुए उसकी एक उदाहरण लिखिए सबसे पहले हम लोग करुण रस और करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? होता है शोक होता है परिभाषा क्या होती है शोक नामक अस्थायी भाव भाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से

उपयुक्त काव्य कापमे वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रहा है यानी देखेंगे तो बार बार आ रहा है इसलिए यहाँ पे क्या अनुप्रास अलंकार उसके बाद दोहा छंद अथवा छवा सोठा छंद का लक्षण सहित तो उदाहरण लिखिए सोठा दोहा का यहाँ पे क्या बताना है उदाहरण लिखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोहा अस मात्रिक छंद है यह चार चरणों में विभक्त होता है प्रथम व तृतीय चरण में तेरह तेरह मात्राएं द्वितीय व चतुर्थ चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती हैं इसमें द्वितीय चतुर्थ चरण के अंदर में क्या होता है लघु और गुरु होता है मेरी भव बाधा राधा नागरी छाई पर श्याम हरित ठीक है ना अब इसमें लघु और गुरु आप लोग तो कर लेना नहीं तो आपको अगर इससे सिंपल कोई परिभाषा दिखे तो उसको आप लोग याद कर लेना उसके बाद है आपके पत्र लिखन किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखे जिसमें गांव में फैले फैल रही कोविड नाइन्टीन संक्रामक बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया अथवा अपने विद्यालय के कंप्यूटर खराब होने की समस्याओं से निका निकारण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए उत्तर में क्या लिखेंगे सेवा में श्री प्रधानाचार्य जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश विषय डालेंगे विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्याओं के निकारण हेतु महोदय आपको सूचित करना मेरी गहरी चिंता है कि हमारे विद्यालय में के कंप्यूटर में कुछ समस्याएं हो रही हैं कई कंप्यूटरों में बूटिंग और सॉफ्टवेयर संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे छात्रों के विद्यार्थी जीवन में कठिनाई हो रही है मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी समस्या को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाएं, क्योंकि यह हमें शीघ्रता से कुछ नए कंप्यूटरों की खरीद पर विचार कर सकते हैं ताकि शिक्षा में रुचि रखने वाले छात्रों को बिना किसी अवरोध के अच्छी तकनीकी शिक्षा मिल सके और अतः आपकी कृपा होगी फिर धन्यवाद दिनांक और यहाँ पे बस वर्ग रोल नंबर ये किस पर किस पर राष्ट्रमंडल खेल 2022 यानी ओलंपिक वाला भारतीय उपलब्धियां उसके बाद इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता मेरे प्रिय साहित्यकार यानी कि आपका कवि और लेखक कहा है यहाँ पे जलवायु परिवर्तन कारण कारण और परिमा परिणाम और भारत में कृषि क्रांति तो यहाँ पे आप एक निबंध लेखन ले सकते हैं इसको आप आपको अपने खुद से लिखना है ठीक है ना आपको अपने खुद से लिखना है ऐसा नहीं कि जो मैंने आपको यहाँ आप पे बताया है वही करके चले आए ऐसा कुछ भी नहीं करना इसको आपको दिमाग लगा के खुद से तर्क वितर्क करके लिखना है और यहाँ पे मैंने कृषि क्रांति पर निबंध को मैंने लिखा है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बढ़िया भी आर पी हेडिंग उडिंग डालती तो ये जो आपको मैंने बताया है इसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा सर ये हिंदी का पेपर जो है सर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर 2025 के लिए और ये 2025 का हिंदी का पेपर सर आप रट के तैयार कर लीजिए इसमें मैंने फुल सोल्यूशन सर दिया है, है नहीं तो सर ऐसी वीडियो को लाइक करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों थैंक यू जैन टेक केयर बाय बाय